जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको समास को पहचानने का ट्रिक बताएंगे। आपको कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई, टेंथ बोर्ड, चाहे वह टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड्स हो, उसमें आपको समास से प्रश्न जरूर आते हैं हिंदी ग्रामर में। और साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बीपीएससी, बीएड, सीटेट, इन सब में आपको ना समास के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको है ना, इस वीडियो के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको समास पहचानने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि समास जो होते हैं छह प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है आपका अव्ययी भाव समास। तो देखिए, अव्ययी जो भाव समास है इसको पहचानने का ट्रिक क्या है। तो लिखा है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जैसे आपका हो जाएगा यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर, किसी भी शब्द के पहले ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाए, यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन या भर मिल जाए, आपका ये अव्ययी भाव समास होगा। टिक कर दीजिए, पक्का 100% करेक्ट होगा। जैसे में आपका हो गया यथा शक्ति, तो देखिए शक्ति में यथा शब्द लगा है इसलिए ये यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, तो दिन में क्या लगा है, प्रति लगा है इसलिए प्रति जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा। भर पेट में भर जो है शब्द लगा हुआ, देख लीजिए भर ट्रिक में भी है इसलिए भर पेट जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका है तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर का समास है तत्पुरुष। तो समास को इसका ट्रिक समझिए, समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से निकले, अगर आपको उसको अलग करते हैं तो अगर आपको उसमें का नज़र आ जाए, की नज़र आ जाए, को नज़र आ जाए, के लिए आ जाए, चाहे में, पर से निकले, तब वह समास जो होगा तत्पुरुष समास होगा। आइए इसको आपको समझाते हैं उदाहरण से। जैसे आपके पास है रंगमंच, तो रंग के लिए मंच है ना, रंग के लिए, के लिए इसको आप तोड़िएगा, एक रंग है शब्द, एक मंच है, तो आपका टूटेगा रंग के लिए मंच, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। वन वास, तो इसमें अगर आप तोड़ेंगे दो शब्द है, एक वन है एक वास है, तो वन में वास में शब्द आ जाएगा। नेत्रहीन, तो इसको अगर आप दो शब्द मिला, एक नेत्र और हीन, यानी नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, तो से आ गया। तो देखिए इसको तोड़ने पे जो जो शब्द आ रहे हैं इसीलिए ये सब क्या होंगे, तो आपका ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। अब आता है देखिए कर्मधारय समास। इसका ट्रिक समझेंगे कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती हो। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे आप है ना, आप इसको उदाहरण पर ट्रिक को समझिए, आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। क्या लगाना है, कैसे, कैसे शब्द अगर हम लगा कर देखते हैं और उसमें कैसे लगाने से उत्तर मिलता है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, कर्मधारय समास। आइए इसको हम समझाते हैं उदाहरण से। तो आपके सामने है जैसे मृगनयन, तो आपको क्या बोला है, आप कैसे लगा कर देखो यदि उत्तर मिल जाए, तो किस में लगाना है, तो शब्द के दूसरे पद की विशेषता। तो देखिए मृगनयन, तो दूसरा पद है नयन, तो दूसरा पद नयन है, तो अब कैसे लगा कर देखो, यानी नयन कैसे है, तो मृग के समान। दूसरा शब्द में हमें क्या लगाना है, कैसे, नयन कैसे हैं, तो नयन कैसे हैं, तो मृग के समान, तो इसलिए आपका एक कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। जैसे नील अंबर, तो लास्ट वाला टर्म इसमें अंबर जुड़ा हुआ है, तो अंबर कैसे हैं, तो नीला, अंबर कैसे हैं, तो नीला। तो कैसे लगाने से जब हमें उत्तर की प्राप्ति होती हो तो वह कर्मधारय समास होता है। समझ में आ गया, चलिए अब देखिए चार नंबर का समास। ये तो बहुत इजी है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। नाम है इसका द्वंद्व समास। देखिए
द्वंद में क्या है, योजक का चिन्ह, यानी ये देखिए योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, लगा हो विग्रह करने पर और आए, अगर उसको तोड़ते हैं, समास का मतलब ही होता है विग्रह करना। सबसे पहले है ना बेस्ट ट्रिक है द्वंद समास पहचानने का कि आपको ये योजक का चिन्ह मिलेगा, जैसे माता पिता बीच में देखिए योजक शब्द है तो ये क्या हो जाएगा द्वंद समास, दाल रोटी द्वंद समास, दिन रात द्वंद समास, और अगर आप टूटते हैं तो जैसे माता और पिता ऐसे ही ना बोलेंगे इसको, दाल और रोटी इसी तरह से बोलेंगे, दिन और रात इसी तरह से बोलेंगे। एक चीज़ ये भी अपने जहन में रखिएगा, दोनों शब्द अलग अलग होना चाहिए, जैसे माता अलग है पिता अलग है, दाल अलग है रोटी अलग है, दिन अलग है रात अलग है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए तब जाके द्वंद होगा, नहीं तो क्या होगा, आइए नोट से समझाते हैं। नोट में लिखा है शब्द एक हो तब वह क्या होता है अव्ययी भाव समास, जैसे धीरे 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 धीरे, यहाँ पे भी आपका योजक का चिन्ह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस योजक के इस्तेमाल होने पर भी यह द्वंद समास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्द एक जैसे हैं। याद रखिएगा दोनों शब्द एक जैसे हो तो द्वंद नहीं होता है, और शब्द अगर अलग अलग हो तो द्वंद होता है, तो एक जैसे हो और बीच में हाइफन लगा हो तब जाकर आपका अव्ययी भाव समास हो गया। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए पांच नंबर देखिए, इसी तरह से धीरे धीरे के अलावा यहाँ पे जल्दी जल्दी भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी बीच में हाइफन लगा रहता है तो वह सब अव्ययी होगा। अब देखिए द्विगु समास, इसका है कि जिस समास का पहला पद संख्या हो यानी कि गिनती हो यानी कि अंक हो तो वह द्विगु समास होता है, जैसे पंचवटी, तो वटी में पंच लगाया, पंच का मतलब होता है पाँच, तो पाँच जो है पंचवटी में पाँच जो आ गया गिनती, इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। त्रिभोज, तो त्रि देखिए शब्द आया, तो त्रि आ गया अंक आ गया इसलिए द्विगु समास है। चौवन्नी, चौवन्नी यहाँ पे भी है ना अंक आ गया इसलिए यह द्विगु समास है। कहीं पे भी हो जैसे चतुर्भुज पंचभुज है ना चौराहा, ये शब्द आपको अगर देखने को मिलते हैं तो वह द्विगी समास के उदाहरण होंगे। पहचानने का तरीका क्या है, शुरू वाला पद जो होगा संख्या होगा। अब देखिए छः नंबर लास्ट वाला बहुव्रीही समास, इसका ट्रिक समझिए, एक ही बार में आपको खत्म हो जाएगा। इनमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी बहुव्रीही समास की पहचानने का बेस्ट ट्रिक यह है कि उसमें देवी देवता का नाम आता है, देवी देवता का नाम आता है, और अगर पर्यायवाची शब्द है तो उसके लिए एक शब्द का समीप होता है, जैसे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र भगवान के लिए शब्द आया है, शिव भगवान को बोलते हैं तो त्रिनेत्र बहुव्रीही समास हो जाएगा। लंबोदर, यानी कि लंबोदर गणेश जी का है इसलिए बहुव्रीही समास है। दशानन यानी दस आनन वाला, मुख वाला यानी कि रावण, तो यहाँ से देखिए ये सब भगवान राक्षस ये सब का नाम आता है तो वह बहुव्रीही समास के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ एक शब्द जैसे प्रधानमंत्री, यानी सभी मंत्रियों का प्रधान को क्या कहते हैं, सभी मंत्रियों का प्रधान, अनेक शब्दों का एक शब्द क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री, तो अनेक शब्दों के एक शब्द भी इस्तेमाल होते हो तो वह बहुव्रीही समास का उदाहरण हो जाता है। तो समझ में आया, आई होप डेट कि ये जो कुछ भी हमने समास के छह समास आपको ट्रिक से बता दिए, देख सकते हैं एक बार पूरा का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार पूरा आपको शुरू से अंत तक दिखा सकते हैं, देख लीजिए। और मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ना बहुत ही अच्छा लगा होगा ये समास के ट्रिक, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ना अपने दोस्त साथी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त फ्रेंड्स भी ऐसे वीडियो को देखकर अपने तैयारियों को आगे कर सकें, ठीक है। बेस्ट ऑफ योर लक, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। चलते हैं साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।